सो हैलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवदीप सिंह फ्रॉम द वाइब आइल्स। अज की वीडियो एक एवं की वीडियो आ स्पैशली फॉर द बिगनर्स भी। अज तो बाद थोड़ा किसी भी यह नहीं पूछना पैना भी भाई आइल्स की होंगी है, कैवें करिए, किड़े तरीके ना करिए। अज की वीडियो दे विच कली कली चीज़ आइल्स बारे मैं प्रोपर डिफाइन करूँगा, किड़े तरीके ना किड़ी चीज़ कैवें करनी है, की होंगी आइल्स, भी घर बैठे एक बंदा किड़े तरीके ना तैयारी कर सकता, वो अज प्रोपर डिटेल्ड वीडियो होगी ये। सो वीडियो के जुड़े रहो, बड़े ही डाउट क्लीयर होने हैं, भावें किसी ने आइल्स पहले की है भावें नहीं की, हर एक स्टूडेंट्स लिए बड़ी ही वैल्यूएबल वीडियो साबित होगी। लैट्स गैट इन टू द वीडियो। सो सर ना पहला भी आप मैं सर ना पहला आप चलो गल करते हैं आइल्स की है। देखो आइल्स का मतलब थोड़ा सारे पता ही होगा, आइल्स की जी फुल फॉर्म आनू कहते इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। हुण इहदा मतलब की आ, इहदा मतलब ये आ भी हुण जिहड़े बाहरली जिहड़ियां भी कंट्रीज आ हैना, उन्होंने ये कहिंदे आ भी एक बच्चा साडी कंट्री दे विच आ रहा, एक बच्चा साडी कंट्री च आ रहा, उन्होंने साडी जिहड़ी इंग्लिश लैंग्वेज आ उह किन्नी क वधिया तरीके नाल बोलणी आउंदी आ, तो उहदा एक टैसट आ, वह जी चैकिंग करनी है उन्होंने किन्नी वधिया तरीके नाल आउंदी आ, उहदा एक टैसट आ जिहड़ा उन जिहनूं कहिंदे आ आइल्स टैसट। हुण वह जी टेस्ट आनू वो चार तरीके चैक करते भी बच्चा कैवें कैवें किहड़ी किहड़ी तरीके दे नाल वो इंग्लिश पढ़वा के देखते आ, करवा के लिखवा के देखते आ, उन्हां तरीकों आप अज डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच। ते वो जिहड़े चार तरीके थोनू भी की आ ठीक है पता वा किहड़े आ, सर ना पहला तो हुंदा लिसनिंग, कहण दा मतलब इहदे विच अपने को लिसनिंग दा मतलब सुनवाउणगे भी सुनाउणगे, अपने को हैडफोनस मिलणगे, हैडफोन दे विच कोई लैक्चर चलूगा, लैक्चर किसी भी तरीके का हो सकता, अपने को एक PDF होगा कहन मतलब असाइनमेंट होगा, वो आप क्वेश्चन जो लिखे होंगे वो सुन के लिखने, कहने का मतलब ये चीज़ा थोड़ा सारिया डिफाइन करा सर ना पहला भी लिसनिंग, दैन रीडिंग, रीडिंग का मतलब आप इंग्लिश रीड करनी है, दैन राइटिंग, राइटिंग का मतलब राइट करनी है, दैन स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब बोलनी है। सो ये चार क्राइटेरियाज आते हैं जिद प्रोपर इंग्लिश चैक करेंगे ठीक है। हूँ ये चार की आ अलग अलग बैंड होंगे, 9 बैंड की लिसनिंग आ गई है ना, एवें ही 9 बैंड सारे एवें 9 बैंड होंगे, तो जिन्हों का जरा टोटल ओवरऑल स्कोर लगता वो इन्हों का जोड़ा एवरेज लग जाती है ठीक है। सो इस तरीके जी सर ना पहला आँदी है, सो आप बाली लंबी नहीं खिंचनी वीडियो, पर ये जो बैंड्स होंगे ना वो थोड़ा मैं थोड़ा जि डिस्क्राइब करना वो कि हिसाब में वंडे होंगे। ओके आई विल शो यू, वेट दिस, जोड़े बैंड होंगे वो जोड़े आने इस हिसाब में आने, ये थोड़े स्क्रीन दे देखो भी जितना बच्चे दे आ गए जोड़े 6-6.5 वाले होंगे ना उन्होंने 26 to 29 च रेंगे है ना, सब जे 6 वाले 23 to 25 तक, दैन 30, 31, 7, 32 एवें जमें जमें बैंड बढ़ते जाएंगे उवें उवें थोड़ा बैंड स्कोर भी बढ़ता जाऊगा। सो इस तरीके अपनी जोड़े बैंड स्कोर आने जाना वा, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं डायरैक्ट वीडियो पर आऊँगा ठीक है। जो पहला टाइप होंगे लिसनिंग, चलो पहला रीडिंग आ गई, रीडिंग, रीडिंग दा की मतलब आ, रीडिंग दा मतलब आ भी आपां नूं एक असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट दे विच अलग अलग कई तरह के क्वेश्चनस होणगे, ओ क्वेश्चन कैवें कैवें दे होणगे, एक तां आऊगा लिस्ट ऑफ हैडिंग, दैन आऊगी फिल इन द ब्लैंक्स, एक MCQs आ, दैन मैचिंग्स आ, दैन ट्रू फॉल्स एंड नोट गिवन आ, एक ही चीज़ां इह सारियां तुहानूं दिखाउणा। टोटल कहण दा मतलब इन्हां सारिआं नूं मिला के तुहानूं 40 क्वेश्चनस मिलणगे, टाइम किन्ना मिलेगा 1 घंटे का, तो 1 घंटे दे विच ही तुसीं ट्रांसफर करने होंगे, ट्रांसफर करने लई तुहानूं एक शीट मिलेगी, उहदे विच वड्डे अक्षरां दे विच ट्रांसफर करने होंदे आ, जे तुसीं शॉर्ट फॉर्म च करते हो की पता कंप्यूटर ने चैक करने हैं उन्होंने, थोड़ी कई बच्चे ई किसी तरीके लिखते, कई बच्चे ई किसी तरीके, सो वड्डे अक्षर च कैपिटल वर्ड्स के करोगे बहुत वधिया। सो इहदे नाल की आ एक कंप्यूटर नूं सौखा हो जूगा चीज़ां पछाणना, थोड़ा आंसर गलत नहीं हो सकता जे तुसीं सही भी लिखिया ठीक है। सो लिस्ट ऑफ हैडिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, मैचिंग्स, एक ही चीज़ा ये भी मैं थोनों एक बार दिखा ही दिना ठीक है, जिमें अपने कोल हैगी आ, आपां थोनों दिखाने रीडिंग का एक असाइनमेंट देख लें इतों। सो सो वी हैव रीडिंग, रीडिंग नंबर 110, सो इहदे विच देख तुसीं देख सकते हो एवें थोड़े को पैसेज आऊगा ABCD ठीक है, देखो ए पैसेज जा रहा है एच तक जा रहा है, सो एक कंप्लीट पैसेज है, इस तो बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते होंगे ठीक है, एच तो बाद आई भी आ गया ठीक है, इस तो बाद क्वेश्चन स्टार्ट, पहले क्वेश्चन आ जमें आ गया ए आ गया फिलिप्स ठीक है, जिहड़ा मैं थोनों कहा फिलिप्स ठीक है, एस फिलिप्स आ गए एवें दे फिलिप्स होणगे इन्हां नूं लभणे आ ठीक है, दैन आ गए ट्रू फॉल्स नोट गिवन, ए ट्रू फॉल्स नोट गिवन आ गए, ये भी आपां पैसेज चो देख के लभणे आ, इस तरीके जिन्हें भी क्वेश्चन ने सारे दे सारे रीडिंग दे
अलग अलग टाइप नाल, अलग अलग क्वेश्चन टाइप नाल एवें एवें आउंदे रहिंदे आ। ठीक है, देखो इन्हां नूं जिहड़ा करन दा तरीका बहुत सौखे सौखे तरीके आ। हैडिंग्स नूं कैवें करना, एलीमीनेशन मैथड नाल करना वा, ओह एलीमीनेशन दा मैथड आ, ओह तुहानूं आपां सिखावांगे। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਲਿੰਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ, ਮੈਚਿੰਗ ਟਿਊਬ ਵਾਲਸ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਅਲੱਗ ਆ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਲਿੰਦਾ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਚਿੰਗ 'ਚ ਵੀ, ਟਿਊ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਕੁਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30-40 ਮਿੰਟਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਚਿੰਗਸ, ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਪ, ਮੇਨ ਇਹ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੀ ਕੁਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਪਾ ਕਲੋਥ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟਾਪਾ ਕਲੋਥ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਬੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੁਸਚਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੋਲੂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇਹ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼, ਦੈਨ ਐਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਪ ਆ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਵੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੌਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਰਥ ਲਿਖਿਆ, ਨੌਰਥ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸਚਨ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਲਅਪਸ, ਮੈਚਿੰਗਸ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਅਤੇ ਮੈਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਆਨਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 9 ਬੈਂਡ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਲੇ 9 ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਵੀ ਆ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ। ਬੜੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਸਕ 1 ਟਾਸਕ 2 ਹੁੰਦਾ ਉਹ 20 ਮਿੰਟਸ ਆ। 20 ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ 150 ਵਰਡਸ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਟਾਸਕ 2 ਆ ਉਹ 40 ਮਿੰਟਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, 250 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਟਾਸਕ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ, ਲਾਈਨ, ਪਾਈ, ਬਾਰ, ਟੇਬਲ, ਮੈਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਸਿਰਫ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਵੋਕੈਬ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਵੀ ਵੋਕੈਬ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਟਾਸਕ 2 ਆ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਦੈਨ BP1 ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ BP2
टू जाता तो दैन अपना लास्ट कंकलूजन जाता वा ये की है जे तो डू यू एगरी डिसएगरी है सिर्फ ये एक साइड जाने और का मतलब हूँ या एक साइड ही जाना जो तुम कहे मैं दोवें लिखना तो गलत हो जूगा टास्क रिस्पोंस वह बिगड़ जूगा ये भी चीज़ा मैं तुम्हें दसदा राइटिंग चैक की करते हैं डू यू एगरी और डिसएगरी आ गया ठीक है हूँ थोड़े अगे जे एक साइड जाना मतलब तुम जे एगरी चल के दोनों बीपी एगरी दे बनने बीपी वन भी एगरी तो बीपी टू भी दैन नैक्सट पार्ट है टू वट एक्सटेंट डू यू एगरी ये जा सकते हो दोनों टर्म तुम इंट्रो दसो आई एम पार्शली एगरी फिर तुम एक बीपी एगरी का दूसरा बीपी डिसएगरी का बना सकते जो तुम कहते लार्जली एगरी फिर तुम एक बीपी लार्ज बनाओगे लार्जली एगरी कहते ना एगरी वाला बीपी लार्ज बनूगा कहना मतलब 70% एगरी 70% 30% डिसएगरी लिखोगे दैन एडवांटेज डिसएडवांटेज का दैन एक बीपी डिसएडवांटेज का एक एडवांटेज का सो एवें ही डिस्कस बोथ व्यू एक व्यू के बीपी वन दे एक व्यू तो बीपी टू सैकेंड व्यू पॉजिटिव नैगेटिव भी एवें जाऊगा पॉजिटिव तो नैगेटिव और होया तो एक साइड ही जाना पेगा एंड होया तो दोनों लिखने पैणगे प्रॉब्लम सोल्यूशन एक बीपी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन का एडवांटेज आउटवे का मतलब आ कि तुहानू लगता एडवांटेज ज्यादा जे तुहानू लगता ज्यादा वा तुसीं एडवांटेज ज्यादा ही लिखोगे कहने का मतलब एडवांटेज वाला बीपी तुसीं वड्डा लिखोगे तो डिसएडवांटेज वाला छोटा तो डायरैक्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाते होंगे वो क्वेश्चन तुसीं दोनों बीपी वन दे विच एक क्वेश्चन बीपी टू दे विच दूजा क्वेश्चन हूँ लाइन बाई पाई चार्ट ये मैं थोड़े जे थोनू ये भी दिखा दवा भी की होंगे आ वेट अपने कोल पीडीएफ्स आई थिंक होनगियां आ रही टास्क वन डायग्राम ये तुहाडे सामने आ जिहड़े बार आ हुण तुहाडे सामने बारग्राफ आ एवें थोड़े को बारग्राफ आऊगा ये हैगा पाई प्लस बार इहनूं कहिंदे आ मल्टीग्राफ ठीक है या मिक्सड ग्राफ भी कई कह दिंदे आ ये भी आ गया ओके ये अपना प्रोसैस चार्ट हों भी कैमें एक मैनुफैक्चरिंग ऑफ इंस्टेंट नूडल्स नूडल्स कैमें बनते सारी प्रोसैस लिखनी होंगी है ठीक है ये भी आ गया अपना प्रोसैस चार्ट ये भी अपना मल्टीग्राफ आ गया मैप आ गया ठीक है ये हर एक चीज़ एवें टेबल आ गया ठीक है सो ए जोड़े ग्राफ ने इन्हों कैमें डील करना किड़े तरीके डील करना हर एक चीज़ डिटेल के आप सिखाने ठीक है बाकी हुण देखो तो थोड़े को रेटिंग जिहड़ी ए आपां ये नहीं कह सकते भी लिख के आ गए तो बैंड मिल गए जां तुसीं ये कह दिए भी कल्ली वकैब पाते तो बैंड मिल गए हर एक चीज़ के बैंड ने कैवें बैंड ने एक मैं थोड़ा चीज़ छोटी जी दिखाना जो मैंने इतने मिल गई अवे तो वेट अ मिनट बड़ी ही जरूरी चीज़ जिन्हों कहते हैं जिहड़ी कि बच्चे इग्नोर ही कर देंगे हर बार बड़े बच्चे इग्नोर करते हैं वेट आई डोंट थिंक सो छेती छेती मिले तो वधिया बारे मिल गई यार खड़ो यार वेट बस लो हुण इहदे च की है जिहड़ी राइटिंग आ उहनूं जिहड़े चैक करन दा तरीका अलग अलग हुंदा जे आपां कहीए वी एक चीज़ नाल राइटिंग चैक हुंदी एवें नहीं हुंदी राइटिंग नूं चैक करन लई की हुंदे आ कई तरीके कई वे ने ठीक आ ये जिहड़े चार तरीके आ इस तरीके नाल अपनी राइटिंग चैक होणी आ देखो तुहाडे सामने आ सारे नाल पहला तरीका की आ वी अपना आ गया सारे नाल पहला टास्क रिस्पोंस चैक होगा तुहाडा टास्क रिस्पोंस का मतलब है तुसीं टॉपिक ते किन्ना लिखिया जे तुसीं तुहानूं एडवांटेजेस पुछिया गईआं तुसीं एडवांटेजेस ही लिखिया जे तुहानूं डिसएडवांटेजेस पुछिया तुसीं डिसएडवांटेज लिखना जे तुसीं इधर उधर दीआं गल्लां मारोगे टास्क रिस्पोंस बिगड़ जूगा तुहाडे बैंड घट जाणगे उवें कोहरेंस ते कोहेशन का मतलब कनैक्टरस तुसीं किन्ने क कनैक्टर लाए कितें ज़्यादा तो नहीं लाते ज़्यादा कनैक्टर उन्होंने होंगे जिहड़े कहिंदे ना तुसीं असीं टू बिगन विद तों स्टार्ट कर दिंदे आ फिर मोर ओवर टू एक्सप्लेन फॉर एग्जाम्पल फरदर मोर ओवर एवें दीआं चीज़ां लाउंदे हो उन्हां दे बैंड छे रह जांदे आ उह क्यों रहिंदे आ अपनियां वीडियोज़ बणियां होईआं तुसीं देख सकदे हो उन्हां ते वी कैवें नैचुरल ते राइटिंग लिखणी आ दैन आ गई लैक्सीकल रिसोर्सिस इहदा मतलब वोकैब किन्नी कु वोकैब पाई जिहड़े बंदे ज़्यादा वोकैब पाउंदे ने बहुत वड्डे वड्डे वर्ड्स नहीं होंदे उन्हें छे रह जांदे आ बट जिहड़े बच्चे किहड़ी नाइन बैंड ते सिद्धा लिखे ने वैरी नैचुरल जिहड़ी नैचुरल जी वोकैब हुंदी जिहड़ी सारे नूं पता हुंदी उहदे नाइन बैंड आ कहिंदा मतलब नैचुरल ऐसे दे ही नाइन बैंड आउणगे उदों थले कुछ नहीं दैन ग्रामैटिकल रेंज मतलब थोड़ी स्पैलिंग्स थोड़ी टेंसिस थोड़ियां जो भी मिसटेक्स आउंदियां ने ग्रैमर दे विच ओह इहदे च काउंट किए जाते हैं सो इन्हां चारों मिला के थोड़ा एवरेज कढ़िया जाता मान लो टास्क रिस्पोंस वधिया मिले जो थोड़ा छे सत्त मिल गए थोड़े कनैक्टर सही ने थोड़ू सत्त मिल गए लैक्सीकल रिसोर्स वोकैब तुसीं बड़ी ही बेकार पाई है थोड़ू पांच रह जाएंगे थोड़े स्पैलिंग एरर ने थोड़ू छे मिल गए सो चारों का थोड़ा एवरेज लगता दैन फाइनल जो आंसर आता वो अपना
राइटिंग का इतने लिखा जाता वा कहना मतलब स्कोर। तो एक चीज़ थोड़ू मैं लगता रहेगी वो ये रहेगी भी जो टास्क वन होंगे वो तो 3 बैंड का होंगे, टास्क टू 6 बैंड का, टोटल दोनों मिला के 9 बैंड मानते हैं। सो इस तरीके अपनी टोटल राइटिंग जाती आ 9 बैंड की। सो ये अपनी राइटिंग। दैन अपने अगे आते ने लास्ट एंड फाइनल आ गया अपना स्पीकिंग। स्पीकिंग दे विच की आ 3 पार्ट्स दे विच स्पीकिंग होंगी है। सारे ना पहला इंट्रोडक्शन, दैन क्यू कार्ड, दैन फॉलोअप्स। ठीक है, इंट्रो दे विच नॉर्मल क्वेश्चन जैनुअन तरीके दे नाल इंग्लिश बोल के आऊँगी, जैनुअन वे दे नाल दूँगी, रट्टा मारूँगी उन्होंने पहला ही पता लग जाना। इंट्रोडक्शन दे थोनू बैंड जिहड़े मिलने हैं टू दे विच जे ते रट्टा मारे थोनू एक ही देना, टीचर टू लैने बहुत सौखी है इंट्रोडक्शन दे जे तुसीं जैनुअन ते नैचुरल इंग्लिश बोल के आऊँगी। देखो हर एक चीज़ मैटर करती है, ये थोड़ी फ्लुएंसी मैटर करती है, थोड़ी वेरिएशंस वॉइस की, थोड़ी सेंटेंसिस की, टेंसिस की, हर एक चीज़ मैटर करती है। ठीक है, दैन ओके क्यू कार्ड। क्यू कार्ड थोड़ा पता ही है, थोड़ा एक टॉपिक मिल जूगा, टॉपिक कोई भी हो सकता, वो टॉपिक थोड़ा मिलेगा तो वो टॉपिक के लिए थोड़ा एक मिनट का टाइम मिलेगा उन्होंने प्रिपेयर करन दा, थोड़ा पेन एंड पेंसिल पेन तो एक पेज वो देंगे, दैन अपने तुसी पूरे 2 मिनट लगातार उस चीज़ के उत्ते बोलना। ठीक है, बड़े ही वधिया ते नैचुरल वे ना बोलना, रट्टा ना मारे हो, जिन्नियां भी थोड़े को पेड गैप्स ने उन्होंने पता लग जाता, बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने कैवें बोलना वा, साढ़े को स्ट्रक्चर्स पे ने, हर एक चीज़ डिटेल दे विच पई है, नैचुरल वे ना स्ट्रक्चर तैयार करने। ठीक है, बड़े सौखे जिदे च बच्चों ब्लैंक हो जाते, जोड़े बच्चे उन्होंने साढ़े को स्ट्रक्चर पे ने क्यू कार्ड से, तुम साड़ा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करूँगा देख जूगा थोड़ा। दैन फॉलोअप्स के अपने आ जाते क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे थोड़े को, क्वेश्चन की पूछेंगे क्यू कार्ड तो रिलेटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मान लो थोड़ा क्यू कार्ड आ गया सिंगिंग तो रिलेटेड, थोड़ा फेवरेट सिंगर आ गया, फॉलोअप्स के पूछेंगे सोंग्स तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते भी कैमें सोंग्स थोड़ी कंट्री के चलते हैं। ठीक है, यंगस्टर कैमें सुनते हैं, ओल्ड पीपल कैमें सुनते हैं, सोंग्स का की इफेक्ट पैंता, मतलब थोड़ी जनरल जी चीज़ है ना, जनरल नॉलेज जिन्होंने कह देंगे भी थोड़ी किन्नी इंग्लिश आ, इंग्लिश की स्किल्स और फॉलोअप्स ही चैक होनी है, क्योंकि इन्हों दोनों तो बच्चे रट्टा मार के चल जाते, पर ये सारी चीज़ एग्जामिनर पर डिपेंड करती है वो की पूछे। सो ये फस जाओगे। सो जिनी वधिया, जिनी नैचुरल, जिनी सही इंग्लिश, जिनी सही इंग्लिश लिख के आओगे, बोल के आओगे, उन्ने ही ज़्यादा बैंड। सो ओवरऑल मैं देखा तो आईलैट्स का टैसट एक इंग्लिश की प्रोफिशंसी चैक करता 4 अलग अलग क्राइटेरिया के नाल, वह क्राइटेरिया थोनों दसते हैं मैं। ठीक है, बड़े ही सौखे, तो देखो ये सिर्फ थोड़ी मैंटैलिटी है भी बहुत औखा जी, बहुत औखा, आयल्स बहुत सौखी आ, तरीके ना की हो बहुत सौखी आ, राइटिंग बहुत सौखी है। जिन्हें बच्चों राइटिंग बहुत औखी लगती है उन्होंने मैं एक गल सलाह दूंगा, जे तो टैंपलेट पिछों भजोंगे तो 100% श्योरिटी है नहीं होने। साढ़े रिजल्ट पाए ने, तुम साढ़े चैनल पर आए हो, तुम वीडियोज़ देख सकते हो, वीडियोज़ के मैं रिजल्ट दिखाए हुए हैं विदाउट एनी वोकैब, विदाउट कंपलैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई किसी भी तरीके ना कुछ भी यूज़ करके असी राइटिंग करवा के 6.5-7 बैंड लाए हुए हैं। कैवें हर एक चीज़ का तरीका वा भाई, तरीके नाल करांगे, स्टैप बाय स्टैप करांगे, बैंड आउणगे ही आउणगे। जे तुसीं टैंपलेट्स पिछे रट्टियां पिछे भज्जोगे तो नहीं आने बैंड, अज ही लिखवा के लै जाओ राइटिंग दे स्पैशली। एवें ही थोड़े रीडिंग आ, रीडिंग का हर एक वे आ, रीडिंग का हर एक क्वेश्चन टाइप का अलग अलग वे आ, तो सौखे तो सौखा तरीका करावांगे। ठीक है, तुम भी अपने टीचर्स को कहो कि सानू सौखे तो सौखा, जिस असीं कंफर्टेबल होइए, जिस असीं कन्फ्यूज ना हो वो तरीका दसो, तो जे तुसीं उन्हां को ये चीज़ सीख ली तो समझो थोड़ी रीडिंग होगी। ठीक है, बाकी तुसी साडा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिन्होंने भी ज्वाइन करना वा वो 8168321916 एस नंबर पर तुम वट्सएप करो, तुम सारी इनफॉर्मेशन मिल जूगी। साड़ी राइटिंग की क्लासेस रनिंग कि नहीं, साड़ा न्यू बैच जिहड़ा स्टार्ट होने वाला ओल मड्यूल्स है, जिससे सारे के सारे मड्यूल स्टार्ट करवा रहे हैं, तो फस्ट जो 20 स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने साढ़े को स्पैशल डिस्काउंट रहेगा, वो तुम जल्दी तो जल्दी एनरोल कराओगे, उन्नी ही छेती थोड़ा एनरोलमेंट हो जूगी, तो थोनू डिस्काउंट का फायदा चुक सकते हैं। सो साडियां सारियां वीडियोज उत्ते पईयां वा, बाकी जिहड़े बच्चे नूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम होवे राइटिंग तो रिलेटेड, ठीक है, असी वैसे तो ऑनलाइन क्लास ही सोल्व करांगे, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम असी एवें भी सोल्व कर सकते हैं, कोई नो इशू, तुसीं मैनूं मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके नाल अपनी सारी राइटिंग जाऊगी। देखो आयल्स नूं ज़्यादा हवा ना लैके चलो, माइंड की खेल आ, जे तो सोचोगे औखी है तो फिर औखी आ, जे तुसीं सोच लिया सौखी है तो एक ऐं निकल जानी आ। सो जरूर ट्राई करया करो भी पहली बार आयल्स कढ़ लिए, क्योंकि दूसरी बार बच्चे का कॉन्फिडेंस थले चल जाता तो वो दिमाग के बहुत सारिया गल्ला इधरों उधरों आ जाएँ। ठीक है, इंग्लिश लिसनिंग एक 9 बैंड मड्यूल है, इस जिन्ना स्कोर हो सके उन्ना करो, क्योंकि ओवरऑल स्कोर इन्ने बधाउणा। राइटिंग जे किसी बच्चे रीडिंग औखा लगता, देखो रीडिंग एक ट्रिप आ, रीडिंग की आ, रीडिंग 40 क्वेश्चन आते हैं थोनों भी पता। ठीक है,
देखो 27 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੈਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ। 27 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਘੱਟ ਕਰੋ ਪਰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸਿਸ ਦੇ ਥੈਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋ। ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 6.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਏ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ, ਕੋਈ ਵਕੈਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ IDP ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।